जहां पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं करनाल की रेलवे रोड स्थित द चर्च में क्रिसमस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर एवं मोमबत्तियां जलाई और यीशु मसीह से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान क्रिसमस ट्री की सजावट बेहद आकर्षक रही। परंपरा के अनुसार सेंटा क्लॉज ने बच्चों के बीच टॉफियां भी बांटी। बड़ी संख्या में गैर ईसाई लोगों ने भी चर्च में जाकर मनोरम का दृश्य देखा। बच्चों का उत्साह तो देखते ही बन रहा था। कैरोल की धुन पर सभी झूम उठे थे। चर्च के पदारियों ने इस मौके पर लोगों को शांति, भाईचारा, प्रेम व त्याग का उपदेश दिया। लोगों से धर्म व सच्चाई के मार्ग पर चलने की अपील की गई। गौरतलब है कि यीशु मसीह को बलिदान के रूप में जाना जाता है और ईसाई समाज इस दिन को बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाता है। देखिए करनाल में आयोजित क्रिसमस पर कुछ दृश्य। 6 दिसंबर 2019 को हमारा जो क्रिसमस त्यौहार मनाया जा रहा है, ये क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम अकेले नहीं हैं। आज के दिन मेरे ख्याल से पूरा संसार ही मना रहा होगा ये खुशियाँ, क्योंकि बाइबल में भी यूहन्ना 3:16 में यही लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पूरे संसार के लिए भेजा। इसीलिए क्रिसमस को पूरा संसार मनाता है, जिसमें प्रेम, मेल मिलाप और एकता और भाईचारा का संदेश होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने यहाँ लोग हैं क्रिसमस मेले में एंजॉय कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में चर्च की आराधना थी, जिसमें हमने यही सीखा कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए और जिस प्रेम को यीशु मसीह ने दिखाया उसको हम मेले के माध्यम से जो है सबके साथ बांटना चाहते हैं। तो बहुत ही कम दाम में दुकानें भी दी गई हैं किराए पर और जेन्युइन रेट पर चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जिससे सभी लोग एंजॉय कर सकें और आपसे प्यार मोहब्बत बांट सकें। और मेरा संदेश यही है कि जो भी लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं वो और जाने उनको कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। सिर्फ इसलिए आए कि वो हमको और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ सके। फादर, आज के कुछ प्रोग्राम के बारे में बताइए, जैसे रात को क्या इवेंट रहने वाला है। ये रात का इवेंट जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इवेंट अभी चला है ये इवेंट रात तक ही चलेगा, क्योंकि करनाल के जो लोग हैं उनका ऐसी श्रद्धा और विश्वास है कि वो यहाँ पर कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके माध्यम से उनका ये विश्वास है जो विश मांगेंगे वो पूरी होगी और वो होता भी है। बहुतों के साथ ऐसी गवाही और टेस्टिमनी है। तो ये जो प्रोग्राम है ये आप अभी जो देख रहे हैं ये रात में 10-11 बजे तक भी सेम ऐसा ही चलता रहेगा। यही आज का प्रोग्राम है। तो क्या मैसेज मिलता है यहाँ आके आपको? कि बहुत खुशी मिलती है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं तो किसी जाति का भेदभाव नहीं होता। आज का दिन क्यों मनाया जाता है बता सकते हैं? आज का दिन यीशु मसीह के ऊपर मनाया जाता है, उनका जन्म हुआ। ओके, बताया कुछ नया बताओ बेटे। पहले नाम बताओ, पहले नाम। ओके, माय नेम इज सिमी रोनिया और यहाँ पे आके सबसे पहले तो हम वैरायटी ऑफ पीपल देख रहे हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं, सभी यूनिटी से यहाँ से आ रहे हैं, अपनी विशेष मांग रहे हैं, क्योंकि गॉड इक्वली ट्रीट करते हैं किसी को, एज वी नो। अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी में आए हैं, आप ऐसे हर कम्युनिटी में इवेंट को जाते हैं? समाज के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है दैट गॉड इज वन एंड वी हैव टू स्टे इक्वल, क्योंकि गॉड हम सारे गॉड के बच्चे ही हैं। बनाया तो गॉड नहीं है, गॉड ने ही बनाया हमें, तो जो भी हो वो तो हमें इक्वली ट्रीट करते हैं। हमें ये सब जो करते हैं ये सब हमने जनरेट पाले हैं, उनने कुछ नहीं ऐसा भेजा है। वी शुड ट्रीट एवरीथिंग इक्वली। हमें कल रात 12 बजे से खुशी हो रही है कि हम बिजनेस से आज JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।